हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी रीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द बकल कैविटी एंड इट गोज टिल द एनस, है ना। एनस आपका यहाँ से एक्स इजेशन होता है, आपका वो पॉइंट है। स्टूल आप एनस से इजेक्ट करते हो और बकल कैविटी से फूड को अंदर लेते हो। अब वॉट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंटू सिंपलर मॉलिक्यूल, है ना। जैसे अपन खाते हैं प्लांट्स, ये सब चीज़ें खाते हैं, उनमें जनरली क्या होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाता है आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज में। फैट आपके ब्रेक हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन आपके ब्रेक हो जाते हैं अमीनो एसिड में। तो एक्चुअली ये डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे पहले पार्ट से, दैट इज़ द बक्कल कैविटी, है ना। अपनी बॉडी में कितनी कैविटी हैं? ये नेजल कैविटी है जहाँ पर नाक है, मुँह वाला बक्कल कैविटी हो गया, ये चेस्ट वाला आपका थोरैसिक कैविटी हो गया, फिर उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, फिर पेल्विक कैविटी, डिफरेंट कैविटीज़ हैं, है ना। कैविटी मतलब क्या होता है? ओपन स्पेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गन आया है, मुँह चलाता है खोला बन गया, खोला बन गया, दिल धड़कता है धक 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 धक, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कैविटी है, वहाँ पर स्पेस है, वहाँ कोई भी ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। तो द वेरी फर्स्ट इज बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में जैसे आप खाने को अंदर लेते हो, सबसे पहले उस खाने के ऊपर कौन एक्शन करता है? टीथ। टूथ इज सिंगुलर, टीथ इज प्लूरल। अब टीथ का मेन फंक्शन आपका क्या है? च्यूइंग, ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, लेग पीस खाते हैं ना ऐसे करके ऐसे, तो ये आपके कैनाइन काम आता है ना। तो और कटिंग भी लिख लो, कटिंग भी आपका फंक्शन है। जो रैबिट लोग होते हैं, चूहे होते हैं, कुदर देते हैं चीज़ों को, उनके जो ये सामने इंसाइजर हैं ये बहुत बड़े होते हैं, जैसे मेरे बड़े हैं चूहों जैसे, ठीक है। तो इंसाइजर कटिंग करता है, कैनाइन क्या करता है, ये टीयर करता है। फ्लैश, जो जानवर फ्लैश खाते हैं उनके कैनाइन टीथ ये बड़े वाले बहुत बड़े होते हैं। फिर अंदर आता है प्री मोलर और मोलर, उनका फंक्शन है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है च्यूइंग, ग्राइंडिंग, टीयरिंग, कटिंग, इस पूरे को बोलते हैं, एक बायोलॉजिकल वर्ड है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। तो टीथ क्या करता है? टीथ करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब टीथ के साथ एक और चीज है जिसका अपन जानते हैं नाम, वो होता है टंग। जबान संभाल के, जबान संभाल के, है ना। टंग फिसल जाती ना कई बार, कुछ अनकही चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बनाता हूँ ना, कई बार तो बहुत सारी चीज़ें मेरे मुँह से ऐसे निकल जाती हैं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि एज अ टीचर वी आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, यू आर ऑलवेज जस्ट, है ना। टीचर के ऊपर सबसे रिस्ट्रिक्शन है दुनिया में, तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी कम हो जाती है, तो मुझे फिर वो एडिट करना पड़ता है, वीडियो में टाइम लगता है उसमें। खैर कोई बात नहीं, तो मेरी भी ज़बान फिसल जाती है, सबकी फिसलती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया टंग। टंग कहाँ पर है? ये बक्कल कैविटी के फ्लोर में है, ठीक है। इट इज़ ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक। अब ध्यान रखना, जो टंग मैंने बताया था, टंग ऐसा मसल है जो मसल तो है बट किसी बोन से जुड़ा नहीं है। ये सवाल आता है कई बार, मतलब जनरल नॉलेज का भी सवाल है, नेम वन मसल दैट इज नॉट अटैच्ड टू एनी बोन, दैट इज टंग। तो इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी बोन, इसको बोन से कोई भी प्यार नहीं है, इसका दिल टूट गया है, इसे क्रॉस हो गया है, ये इसको बोन से कोई भी लगाव नहीं है। उसके बाद देखो दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, anterior, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। तो जो एंटीरियर है टंग का, ये फ्री है,
और जो पोस्टीरियर है वो फिक्स है. तो एंटीरियर पार्ट इज फ्री टू मूव, पोस्टीरियर पार्ट इज फिक्स्ड. ओके, उसके बाद अब टंग का मेन फंक्शन क्या है, सबको पता है. टंग में होते हैं टेस्ट बड, विच हेल्प्स अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ एनी फूड आइटम. ठीक, उसके बाद एक और फंक्शन है टंग का. टंग क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ. सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करता है बोलस. क्या फॉर्म करता है, बोलस. अब बोलस, आप कभी रोटी खाना ऐसे चबाते रहना और जब अच्छे से चबा लो ना, उसको गुटक मत जाना, स्वैलो मत करना, उसको ऐसे करके निकाल लेना. तो देखना ऐसे गोल गोल पिंडी जैसा, नहीं जैसे साउथ इंडियन लोग चावल ऐसे ऐसे करके खाते हैं, एकदम गोल सा बन जाता है. वही गोल स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलस होता है. कौन बनाने में हेल्पफुल होता है, टंग. तो जो मैस्टिकेटेड फूड होता है, जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो गोल गोल आकार ले लेता है, उसको अपन कहते हैं बोलस. ठीक, तो ये आपके टंग के फंक्शन है. एक और फंक्शन है टंग का, जब भी दांत में कुछ लग जाता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग द टीथ. तो अगर एग्जाम में आए तो आपको जितना बनता है आप अपने से लिख दो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन पार्ट पे आते हैं. अच्छा, ये जो टीथ डाइजेशन करता है ना, ये फिजिकल डाइजेशन है, ये केवल ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है, मतलब बड़ी चीज़ को छोटी चीज़, बट उसके मॉलिक्यूल्स, उसके केमिकल फॉर्मूला उसको चेंज नहीं कर रहा. तो टीथ कैसा डाइजेशन करता है, फिजिकल डाइजेशन. अब अपन आते हैं केमिकल डाइजेशन पे. केमिकल डाइजेशन कौन करेगा, सलाइवा. सलाइवा कौन सी क्रिएट करता है, सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, तो नाउ वी विल कम टू केमिकल डाइजेशन, जो अपना मेन जरूरी है. अब आते हैं सलाइवा पे. सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहली चीज. ठीक, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. जनरली इसमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ वाटर. वाटर अराउंड 95% होता है. फिर एंजाइम होते हैं और सर्टन सॉल्ट होते हैं, नमक. एंजाइम कौन सा होता है, उस एंजाइम का नाम है, सबसे इम्पोर्टेंट रट लेना, सलाइवरी एमाइलेस. एमाइलेस इसका दूसरा एक नाम है, टाइलिन, पी साइलेंट है. तो सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, एंजाइम एंड सॉल्ट. कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेस और टाइलिन. अब सुन लो, जहाँ भी वर्ड एमाइलेस है, एमआई अम्मा, अम्मा वर्ड जहाँ पे आ रहा है, अम्मा हमेशा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगी. अगर लाइपेज होता LI, तो वो किसका डाइजेशन करता, फैट का. और जहाँ इन आता है, पेप्सिन, रेन इन, ऐसे नाम आते हैं, प्रोरेनिन, केमोट्रिप्सिन, जहाँ पे इन वर्ड आता है वो किसका करेगा, प्रोटीन का. रख लेना, अम्मा एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेस फैट का, और जहाँ भी इन आएगा, रेनिन, पेप्सिन, ये सब वो प्रोटीन का डाइजेशन करे. ये तरीका है याद करने का. तो सलाइवरी एमाइलेस का मेन काम है, ये चालू करता है केमिकल डाइजेशन. और किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को. किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में. स्टार्च का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है C6H10O5 द होल N. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च. ये एक पॉलीसैक्राइड है. पॉलीसैक्राइड मतलब कई सारे मोनोसैक्राइड जुड़े हैं, बहुत सारे, एक स्टार्च मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. और माल्टोस का फॉर्मूला है C12H22O11. ये तब बनता है जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, और यहाँ पर कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ये क्या हो गया, सिंपलर मॉलिक्यूल. तो सबसे पहला डाइजेशन कौन चालू करता है, सलाइवा. स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में. ठीक है, क्लियर है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद भाई, खाने में केवल स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं,
प्रोटीन भी है फैट भी है, बट सलाइवा केवल स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सलाइवा किसका किसका डाइजेशन करता है या प्रोटीन का करता है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। तो अपने माउथ में, माउथ की बात करूँ, केवल किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का नहीं होता, ना ही फैट का होता है। ठीक है, सही है कि नहीं? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब भाई खाना बक्कल कैविटी से जाएगा फूड पाइप में। किस में जाएगा? फूड पाइप, जैसे अपन बोलते हैं ईसोफेगस, है ना, ओसोफेगस कई लोग बोलते हैं, कई लोग ईसोफेगस बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड पाइप, है ना, फूड पाइप। ओ इसमें साइलेंट होता है वैसे, इसका नाम है ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक, अब क्या हुआ, खाना बोलस बन गया है। अब पता बोलस क्यों बनता है? क्योंकि जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट हैं, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, टायर देखो गाड़ी के सर्कुलर होते हैं ना, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। अगर वो पिंडी जैसा आकार नहीं बनता तो जब खाना फूड पाइप से उतरता तो उसमें अटक जाता। तो इसलिए बोलस बनना या स्फेरिकल बनना बहुत ज़रूरी है। तो ईसोफेगस ये अबाउट 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अडल्ट में। ठीक है, जनरली मेल्स में लंबी होती है, फीमेल्स में छोटी होती है। फीमेल्स में सब कुछ छोटा है, ठीक, दिल भी छोटा है उनका और स्टमक भी छोटा है, सब छोटा है उनका। मतलब दिल का साइज की बात कर रहा हूँ, वो उसके बड़प्पन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फूड पाइप की लेंथ हो गई। अब इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस, म्यूकस क्यों होता है? म्यूकस समझ गए ना, वो जब आप नोज़ अपनी क्लीन करते हो तो जो निकलता है ना, वही म्यूकस होता है। तो ये आपके फूड पाइप में ही प्रेजेंट है, तो आप समझ लो कि आपकी खाने की क्या हालत होती है अंदर जाके। म्यूकस क्यों होता है? टू अवॉइड फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। नहीं तो लगातार खाना उतरेगा फूड पाइप से तो फ्रिक्शन हो सकता है और ऐसे जल खराब हो सकती है फूड पाइप या कुछ हो सकता है। तो म्यूकस आपका फ्रिक्शन कम कर देता है, बहुत ज़्यादा एकदम स्लिपरी बना देता है उसको। अब एक बात, अपने आप खाना नहीं उतर जाता कि ग्रेविटी से अपने आप उतर गया, बहुत मोटी नहीं है फूड पाइप। ठीक है, तो खाना कैसे उतरता है? बाय द पेरिस्टाल्टिक मोशन। कौन से मोशन से? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या मोशन। सभी ने सांप को देखा है चूहे को खाते हुए, ऐसे ऐसे करके खाते, ऐसे पैसे अंदर गया, फिर उसको हल्का पुश करता है। तो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मोशन? इट इज डिफाइंड एज साइमल्टेनियस या अल्टरनेटिव कह लो, इट इज डिफाइंड एज रिलैक्सेशन, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अल्टरनेट लिख लो या साइमल्टेनियस, जो आपको लिखना है। मतलब जैसे खाना गया यहाँ पे, ये आपका फूल गया, फिर ये ऊपर वाला पार्ट प्रेस करेगा, फिर हल्का नीचे, फिर ऐसे टेण, ऐसे ना, जैसे सांप खाना खाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू खाना आपका नीचे जाता है। ठीक है, अब पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू खाना कहाँ चला जाएगा? पेट में। अच्छा, ईसोफेगस का केवल काम है, फंक्शन क्या लिखोगे? इट ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द स्टमक, फूड का डाइजेशन वाइजेशन नहीं करता है। ठीक, अब खाना आपका पहुंच गया मेन पार्ट में, दैट इज स्टमक। कहाँ चला गया? स्टमक में, स्टमक में आ गया। सबसे पहले स्टमक का शेप कैसा है? जे शेप, जे हे, आई लव यू, हाँ किरण, ऐसा होता ना, जे शेप का है, किरण तो के से आता है, ये जे है। देखो यहाँ पे, अब जैसे खाना स्टमक में गया, अब स्टमक में आपके क्या सीक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। क्या सीक्रेट होते हैं?
गैस्ट्रिक जूसेस, और इन जूसेस का फंक्शन बोर्ड एग्जाम में आता है. क्या है? इनका फंक्शन बोर्ड एग्जाम में आता है. ठीक है, सबसे पहला जो आपका गैस्ट्रिक जूस आता है, इसमें खूब सारे हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा है पेप्सिन, या इसको पेप्सिनोजन भी कहते हैं. पढ़ेंगे अभी अपन क्यों कहते हैं पेप्सिनोजन. अरे बाप रे. और आपका तीसरा है म्यूकस, अब सबका अलग अलग फंक्शन है. सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अपना जो माउथ है ना, माउथ से लेकर स्टमक तक जितने भी गैसेस हैं, जितने भी एंजाइम हैं, उन सब का मीडियम क्या है? एसिडिक. तो एक चीज़ ये लिख लेना, सलाइवा का जो पीएच होता है, ये सवाल केबीसी में पूछा गया था, वो होता है 6.8. स्लाइटली एसिडिक है ये, 7 से हल्का कम है ना, स्लाइटली एसिडिक है. तो माउथ से लेकर स्टमक तक सब कुछ एसिडिक है. अब ये जो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो पीएच की वैल्यू है ये होती है अप्रॉक्स 1.2 से 1.8. हाईली एसिडिक. मतलब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ. एक बार क्या हुआ, मैं बहुत छोटा था, ऐसे सिक्का ऐसे उछाल रहा था, पता नहीं करके ऐसे करने नहीं, मूँगफली खाते हैं ऐसे किया, छोटा सा चवन्नी थी और वो सिक्का अंदर चला गया. अब मेरी हालत ख़राब, भाई सिक्का अंदर चला गया, अब क्या करें? घर वाले बोले कि सुबह फ्लश हो जाएगा. अपन चले गए सुबह वॉशरूम, गए बैठे रहे ऐसे देखते रहे, छोटे थे तो उस समय कहाँ इतना पता, कुछ निकला ही नहीं सिक्का इक्का यार. उस समय बहुत डर गया अपन, कहाँ गया सिक्का. लेकिन फिर छोटे थे तो समय के साथ अपन भूल गए कि पता नहीं कहाँ गया क्या हुआ. फिर जब बाद में पढ़े हम कि भाई इस HCl का पीएच होता है 1.2 से 1.8, मतलब उस सिक्का मेरे पेट में ही डाइजेस्ट हो गया, इतना कोरोसिव है कि अच्छे अच्छे मेटल को पिघला दे. लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, और फिर सुबह वॉशरूम में जाके देखते रहना कहाँ गया कहाँ गया. बट ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, तो डिलिबरेटली मत करना, इट इज़ नॉट गुड. ठीक है, तो इसका पीएच है 1.2 से 1.8. अब देखो इसका फंक्शन क्या है. सबसे पहला काम है HCl का कि खाने में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है. मार डालूंगा, काट डालूंगा, साउथ की मूवी चल रही है, पैदा नहीं होने दूंगा, जिंदा होने से पहले ही मार दूंगा, है ना. उसके बाद दूसरा काम है, ये खाने को सॉफ्ट और पोरस बनाता है. सॉफ्ट और पोरस से क्या हो गया भाई, ताकि आगे इजीली डाइजेस्ट हो सके और सारे एंजाइम इससे अच्छे से मिल सके. जब अंदर तक पूरा घुसेंगे एंजाइम तभी ना डाइजेस्ट करेंगे, बाहर से थोड़ी डाइजेस्ट कर देंगे. ठीक, तो ये तो दो सिंपल फंक्शन हो गए. सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है ये, जो ये पेप्सिन, पेप्स देखो मैंने क्या बोला था, जहां भी इन वर्ड है, इन वर्ड मतलब किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन. लेकिन ये जितने एंजाइम है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जनरली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में. एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं रहते हैं भाई? अगर एक्टिव फॉर्म में रहेंगे हमेशा कि भाई हमको डाइजेशन करना है, स्टमक में सीक्रेट होते हैं, स्टमक में भी तो प्रोटीन होगा उसकी वॉल में. तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, इनके पास इतना दिमाग तो है नहीं कि क्या खाना है और क्या वॉल है क्या कुछ है. अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो स्टमक का ही डाइजेशन कर देंगे, इंटरनल ऑर्गन का ही डाइजेशन कर देंगे, और आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी और आप टाए टाए फिस. और इस समय तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, मतलब छुट्टी मिलने का मतलब भी नहीं है क्योंकि वैसे स्कूल बंद है, तो ये मतलब नहीं है. तो ये सारे जितने एंजाइम है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. क्यों इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं? क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो आपके ऑर्गन्स का सेल्फ डाइजेशन कर देंगे और आप टाए फिस हो जाएंगे. तो पेप्सिन किस फॉर्म में रहता है? पेप्सिन रहता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में. किसके फॉर्म में? पेप्सिनोजन के फॉर्म में. अब पेप्सिनोजन जब HCl से मिलता है तो इसका जो एसिडिक मीडियम है, ये HCl है, ये क्या कराता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिनोजन को. और पेप्सिनोजन एक्टिव कब होता है? एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है. तो पेप्सिनोजन आपका एक्टिव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? पेप्सिन बन जाएगा, और फिर वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा. तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिवेट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म. ठीक,
फिर पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। आपकी एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया है, बट अगर आपको नहीं याद हो रहा हो ये शब्द तो आप सिंपली लिख दो कि पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, उसके बाद म्यूकस की बात करते हैं। भाई म्यूकस क्यों ज़रूरी है? म्यूकस कहाँ सीक्रेट होता है? ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। गॉबलेट सेल होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, वॉल ऑफ स्टमक में सीक्रेट होता है। क्यों करते हैं दादा? भैया ये एसिड इतना कोरोसिव है, अगर स्टमक की वॉल को सीधे लग गया तो जला नहीं देगा सब कुछ, पूरा पूरा बॉडी ख़त्म कर देगा। तो ये जो म्यूकस है ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है और एसिड को हमारी स्टमक की इंटरनल वॉल को जलाने से बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड, तो वो फंक्शन है म्यूकस का। तो ये तीनों चीज़ मिलके बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। एक और चीज़ होती है, एक माइल्ड लाइपेज भी होता है जिसे अपन गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। ये थोड़ा सा फैट का डाइजेशन करता है। ठीक, तो स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा है? प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, फैट डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड। ठीक है, क्लियर है? स्टार्च जो आपका माल्टोस में कन्वर्ट हुआ था अब उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। अब खाना कहाँ जाएगा? अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्ट टाइम में। ठीक, अब खाना आ गया स्मॉल इंटेस्ट टाइम में। तो जो डाइजेस्टेड फूड स्टमक से आया है उसको अपन बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं? चाइम। चाइम हैज रीच स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन सीक्रेशन आते हैं। एक आता है बाइल जूस, ये कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर से। और इसको बनाता कौन है? लिवर। फिर आता है पेनक्रियाटिक जूस आते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक जूस के बारे में आगे में। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पेनक्रियास से। और इंटेस्टाइनल जूस आते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ये कहाँ से आते हैं? ये तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तीन चीज़ें अपने को डाइजेस्ट करनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट जो आपका है, जैसे ही वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो स्टार्च है आपका उस पर सबसे पहले किसने एक्शन किया था? सलाइवा ने। सलाइवा स्टार्च को 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है माल्टोस में, लेकिन 70% बच जाता है, 70% बच जाता है। तो उस 70% स्टार्च के ऊपर कौन एक्ट करता है? उस 70% स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है पेनक्रियाटिक एमाइलेस, और उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। अब इंटेस्टाइनल जूस में दो तीन जूस होते हैं, माल्टोस, माल्टेस, लैक्टेज, सूक्रेस, ये सब शुगर के फॉर्म है। इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। फिर उस माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है आपका इंटेस्टाइनल जूस का माल्टेस एंजाइम, किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च है उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिला? ग्लूकोज। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की। नाउ ऑन द प्रोटीन कौन ऐड करता है? पेनक्रियास का आपका एक एंजाइम है जिसे अपन कहते हैं ट्रिप्सिनोजन।
आपकी एनसीईआरटी में इसका नाम ट्रिप्सिन दिया है, बट ये भी ट्रिप्सिनोजन है। ट्रिप्सिनोजन कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव। फिर मैंने बताया इनएक्टिव क्यों रहता है, क्योंकि अगर एक्टिव होगा तो सेल्फ डाइजेशन कर जाएगा आपके पेनक्रियास का, ठीक है, क्योंकि जितने भी मसल्स हैं वो सब प्रोटीन की बनी, तो प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में रहना ज़रूरी है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को। अब इसको चालू कौन करता है? इसको एक्टिव बनाता है बाइल जूस, ठीक है, कौन बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस का नेचर क्या होता है? बेसिक मैंने बताया था, माउथ से लेकर स्टमक तक सब कुछ एसिडिक है और स्टमक के नीचे सब कुछ बेसिक है। तो ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? ट्रिप्सिन। कब एक्टिव होगा? जब कोई बेस आएगा। किसका बेस आएगा? बाइल जूस का। तो ये इसका एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन से बना था पेप्टोन, तो फाइनल आप लिख लो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन कर देगा अमीनो एसिड में। तो व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? इट इज अमीनो एसिड। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो आपका टॉपिक बचा वो बचा फैट। क्या बचा? फैट। अब यहाँ ध्यान देना, फैट जो हैं आपके वो बड़े ग्लोब्यूल हैं, दे आर वेरी बिग इन साइज, और उनको डाइजेशन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन टाइम फैट में लगता है। अगर आप कोई खाना खाते हो तो फैट को डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, प्रोटीन को 4 घंटे और कार्बोहाइड्रेट को 2 से 3 घंटे। तो सबसे मुश्किल फैट का डाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग बहुत खतरनाक है, इसके ग्लोब्यूल्स बड़े होते हैं। अब फैट पर सबसे पहले कौन एक्ट करेगा? बाइल जूस। और तो अब बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है? इमल्सीफिकेशन। व्हाट इज इमल्सीफिकेशन? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर वंस। अब इससे होता क्या है, अगर मैं कोई बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दूंगा तो वॉल्यूम तो सेम रहता है, बट क्या होता है आपको क्या पता है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब हम एक बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, कौन ब्रेक करता है? बाइल जूस। तो सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों करते हैं ये? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। जो भी लाइपेज है जो फैट को एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये मेन फंक्शन है बाइल जूस का, ये फिजिकल डाइजेशन है, समझ गए? बस उसको तोड़ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहा। तो बाइल जूस क्या करता है? फिजिकल डाइजेशन। कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? लिवर में, ठीक है। अब फाइनली जब फैट के ग्लोब्यूल्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं तब आपका आता है पेनक्रियाटिक लाइपेस। पेनक्रियाटिक लाइपेस, मैंने बताया था लाइपेस क्या करेगा? फैट का डाइजेशन। और फैट को ब्रेक करेगा, फैट को किस में ब्रेक करेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और फिर ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो दिस इज द फाइनल डाइजेशन ऑफ फैट। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया, स्टार्च फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में, और फैट फाइनली कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको अपन बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली, या विलाए भी कहते हैं। अब इनका मेन काम क्या है? ये कैपिलरी से जुड़े होते हैं और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं।
अपने अंदर लेते हैं ताकि वो फूड ब्लड में जाए और फिर ब्लड से सभी बॉडी सेल्स को मिल जाए। तो विली का मेन फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब इसका शेप कैसा है, फिंगर लाइक होते हैं ये, ऐसा उंगली, ऐसे उंगली देखी ना आपने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तब वही है, मान लो अगर ये ऐसा सारी उंगलियां मेरी जुड़ी हैं, ठीक है, तो ये इतना सरफेस एरिया है एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन अगर मैं सारी उंगलियों को खोल दूं तो ये सरफेस एरिया ये अंदर का बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ विली, दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन increases their surface area and this enables them to absorb maximum amount of digested food. फिर food कहाँ जाता है, blood में, blood से सारे body cells में, और वहाँ पर assimilation होता है, energy generate होती है। अब जो undigested food है, undigested food कहाँ पर जाता है बेटा, large intestine। The undigested food goes to large intestine. Large intestine का main function है आपका water absorb करना। क्या करना? Water absorb करना। जब वो water absorb नहीं कर पाती तो आपको हो जाते हैं loose motion, ठीक है? और जो भी आपका stool है या feces है या जो आपकी potty आप कह सकते हो, वो किसके through? एनस आपका फाइनल मसल है जो ओपन होता है, और ये एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, एनस के थ्रू आपका सॉलिड वेट एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।